नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में लोग जल पलावन की स्थिति से सभी जूझ रहे हैं। जहां शहरी इलाकों में निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जल पलावन से हलाकान हैं। बरगी विधानसभा में भी कमोवेश यही आलम है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं, बावजूद इसके कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी दशा देखने और राहत पहुंचाने नहीं पहुंचा। बरगी के क्षेत्रीय जनों का गुस्सा कैमरे में फूट कर बोला। मनीषा श्रेया कहती हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है, बस्ती में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, लेकिन पार्षद ज्योति पटेल को फोन कर जानकारी दी तो उन्होंने व्यस्त होने का बहाना बना दिया। इसके साथ ही विधायक संजय यादव ने भी उनका फोन नहीं उठाया। वह कहते हैं कि चुनाव में हमको वोट दोगे तो ही हम तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं अन्य महिलाओं ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके घरों में घुसा पानी उनकी गृहस्थी को बर्बाद कर रहा है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। अंटे तो नेता बनाओ, पार्षद बनाओ ना यहाँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चालू हो गए। घर के अंदर तक चालू जाना। दे भाषण दो। हाँ, जो बोलना बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बंधन का अंदर तक देखा। बरगी विधानसभा वार्ड 71 के रहवासी, हमारे घरों में पानी भर गया है, क्योंकि हमने पार्षद एवं विधायक को भी कंप्लेन दिया, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की है। और अगर कहते हम जाते हैं तो वो कहते हैं अगर अपने जन बच्चों की कसम खाओ कि वोट हमें दोगे इस बार तो ही हम आपके पानी की निकासी और मकान बचाएंगे, वरना मकान भी नहीं बचने देंगे ना ही पानी की निकासी निकालेंगे। और हम लोग ने कहाँ कहाँ पे हाथ जोड़ा मगर हमारी कोई निवेदन नहीं हुई। माननीय जी से मेरा निवेदन है कि हम गरीबों पर ध्यान देते हुए हमारी हर बात को ध्यान पर रखें। धन्यवाद। पार्षद कौन है? पार्षद है ज्योति विनोद पटेल लोधी। कैसे पार्षद हो? कांग्रेस ही के। तुम्हारा नाम? मनीषा शेरिया। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।